तो बहुत से लोगों को रमजान में समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह हम वर्कआउट मैनेज करें, हम इफ्तार से पहले वर्कआउट करें या बाद में, कि जिससे हमें वीकनेस भी ना हो, हमें उसका फायदा भी हो, हमारा वेट लूज भी हो जाए। तो हम इस वीडियो में आज ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, वर्कआउट की टाइमिंग डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well and I hope आप सबके रोजे भी बहुत अच्छे जा रहे हों। अल्लाह ताला हम सबके रोजे और इबादत कबूल फरमाए, आमीन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ एक वेट लॉस का डाइट प्लान शेयर किया था जो कि हम रमजान में फॉलो करके इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं, लेकिन वहां में मैंने ये भी शेयर किया था कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस वीडियो के बाद मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए कि किस तरह हम वर्कआउट करें, हम उसकी टाइमिंग्स क्या रखें, क्योंकि रमजान में थोड़ा सा उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत से लोगों को रमजान में समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह हम वर्कआउट मैनेज करें, हम इफ्तार से पहले वर्कआउट करें या बाद में, कि जिससे हमें वीकनेस भी ना हो, हमें उसका फायदा भी हो, हमारा वेट लूज भी हो जाए। तो हम इस वीडियो में आज ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, वर्कआउट की टाइमिंग डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि वेट लॉस करने के लिए वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेला अगर हम डाइट प्लान फॉलो करते रहे तो हमारा एक पॉइंट पे आके वेट स्टक भी हो जाता है और वो एक हेल्दी वेट लॉस भी नहीं होता, ठीक है। तो हेल्दी वेट लॉस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम डाइट प्लान फॉलो करने के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर रखें। इसके अलावा अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करें। अब रमजान में वर्कआउट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब इफ्तार में हम खाना खा लेते हैं तो हमें डिजीनेस फील होना शुरू हो जाती है, हम बहुत जो है लेजी फील करना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वर्कआउट करें, बेशक आप वेट लूज कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं या हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसने सिर्फ वेट लॉस करना है वही वर्कआउट करे, जो नहीं कर रहे वो भी जरूर करें, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि अगर हम ना करें तो हम लेजी फील करते हैं आफ्टर इफ्तार। तो ये चीज आपने लाजमी अपने रमजान की रूटीन में ऐड करनी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है और जो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि हम किस टाइम अपना वर्कआउट करें, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो हम कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन रमजान में क्योंकि फास्टिंग विंडो बहुत ज्यादा है तो वर्कआउट की टाइमिंग्स की नहीं समझ आ रही होती किस टाइम हम वर्कआउट करें तो हमें उस चीज का फायदा भी हो और हमारा हमें वीकनेस भी ना हो। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए हम जो है वर्कआउट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एंड लो इंटेंसिटी वर्कआउट। लो इंटेंसिटी वर्कआउट में हमारे पास वॉक हो जाती है जो कि कार्डियो है, और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे। अब आपने एक चीज का इसमें ख्याल रखना है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से पहले आपने 1 आवर पहले या 1.5 आवर पहले आपने कोई हैवी मील लिया हो, ताकि हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी हो कि जब हम इस तरह का वर्कआउट करें तो हम उसको प्रॉपरली कर सकें और हमें फायदा भी हो उसका, ठीक है, हमारे मसल लूज ना हो। दूसरा ये कि हमारी बॉडी इतनी हाइड्रेट हो कि जब हम वो परफॉर्म करें तो हमारे मसल्स को कोई भी वो डैमेज ना करें, हमारे मसल्स डैमेज ना हो, हमारा फैट लॉस ही हो, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली अगर हम ये चीज इफ्तार से पहले करेंगे तो हमारी जो मसल वीक होंगे क्योंकि हम डिहाइड्रेट उस टाइम होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, लेकिन अगर हम इफ्तार के बाद या डिनर के बाद हम करें तो हमें इस चीज का ज्यादा फायदा होगा। अब आइडियल जो टाइमिंग्स ये है कि हम या तो तरावी के बाद, डिनर के बाद, तरावी के बाद, या जो है वो सहरी से एक घंटा पहले हम अपना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट परफॉर्म करें। अब आपके पास जब भी टाइम हो फ्रॉम इफ्तार टू सहरी तो आप उस दौरान जो है वो अपना वर्कआउट, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है हमारी, जो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है, वो हम कर सकते हैं। अब जो लो इंटेंसिटी वर्कआउट है, जो हमारे पास कार्डियो है, वॉक है, वो हम बिफोर इफ्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि
उसका ऐसा जितना इशू नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है। वो आप उससे इफ्तार से पहले करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, अगर आप इफ्तार के बाद करना चाहें तो वो तब भी आप कर सकते हैं। अब आपने रमजान में बहुत ज्यादा वर्कआउट जितना हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं उतना नहीं करना होता, आपने उससे थोड़ा सा कम करना होता है, क्योंकि इतनी हमारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं होती, इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसलिए जितना पहले कर रहे हैं आम रूटीन में हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, उससे आप थोड़ा सा कम ही कर लें। आप वॉक जो है वो 45 मिनट, अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो 45 मिनट्स की कर लें, और अगर आप जो है वेट मेंटेन कर रहे हैं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आप 30 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। वर्कआउट आप जो है वो 20 से 30 मिनट का, 40 मिनट्स तक उसको भी लेके जा सकते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो है वो बिफोर इफ्तार ही कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं खाया, हमारी बॉडी में कोई भी फूड नहीं है, और अगर हम वर्कआउट करेंगे तो उसका हमें ज्यादा फायदा होगा, हमारा ज्यादा फैट लूज होगा। लेकिन जब हम उस टाइम वर्कआउट करते हैं तो हमारा फैट के बजाय मसल लूज होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें डिहाइड्रेशन उस टाइम हुई होती है, इसलिए कोशिश करें कि उस टाइम तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ना करें। जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूं कि लो इंटेंसिटी वर्कआउट आप उस टाइम कर सकते हैं, लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आप उस टाइम ना करें। आप तब करें जब आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी हो, आप तब करें जब आपकी बॉडी हाइड्रेट हो, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। आई होप इस वीडियो से आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी कि किस टाइम वर्कआउट करने के ज्यादा फायदे हैं और किस टाइम वर्कआउट करने के डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं एडवांटेजेस से। अगर आप रमजान से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में एडिट है, तो वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।